नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की लगभग 12,000 वैकेंसी है और तमाम छात्र तैयारी में लगे हुए भी हैं। सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 महीना के अंदर इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, मतलब मार्च से पहले कह सकते हैं, फरवरी और जनवरी जब भी हो जाए, लेकिन मार्च से पहले आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। और चूंकि 12,000 के आसपास वैकेंसी है, पिछला जो बिहार एसएससी देखा गया था, बिहार एसएससी सीजीएल हो या पिछला इंटर स्तरीय हो, उसमें काफी कुछ गड़बड़ियां भी देखने को मिली थी। लेकिन हम इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं और पूरा स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहमान सर हैं। और वीडियो इस पर आधारित होगा कि आप क्या करिएगा कि आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक बढ़ सके, क्या करिएगा कि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से देखा जा रहा है 12,000 के आसपास बिहार इंटर लेवल का वैकेंसी है सर, और काफी छात्र तैयारी में भी लग चुके हैं, क्या कुछ पढ़ना चाहिए सर कि परीक्षा जब भी दे दे, मान लीजिए डेट दे दे या कम टाइम में ही दे दे, तो इनको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े सर? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि सचिवालय का 1994 में निकला हो बहाली तब, या लेटेस्ट सचिवालय का निकला हो तब, इंटर स्तरीय प्रथम निकला हो तब, इंटर स्तरीय दूसरा निकला तब। पहला बार के इंटर स्तरीय में एक सबसे बड़ी उसकी विशेषता थी कि प्रथम इंटर स्तरीय में 7 दिन के परीक्षा का एंसर शीट 1 सप्ताह पहले सबको मिल गया था, खुलेआम, मतलब एंसर ही मिल जाता था, एकदम खुलेआम गुंडागर्दी हुआ। अच्छा। था उसमें हम लोग बहुत आदमी लगे, भयानक ढंग से लगे, परीक्षा कैंसिल हुआ, माननीय नीतीश कुमार कैंसिल किए, फिर परीक्षा हुआ, परीक्षा के बाद अभी ज्वाइन किया बहुत दिन बाद। अध्यक्ष के सामने चुनौती है, इंटर स्तरीय आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना लड़का भरा होगा। बिल्कुल 12,000 पोस्ट है सर, 12,100 पोस्ट है। अब इसमें लड़का वैसा भी लड़का भरा होगा जो सचिवालय का इंतजार कर रहा होगा, सीजीएल दे रहा होगा, मैथ रीजनिंग भी पढ़ता होगा, वैसा भी लड़का दे रहा होगा। बिल्कुल वैसा भी लड़का दे रहा होगा। रेलवे वाले सभी भरे होंगे सर, क्योंकि इंग्लिश नहीं है, और जो भी रेलवे के छात्र तैयारी करते हैं मैथ रीजनिंग और जीके जीएस, उनका काफी अच्छा होता है, इन सब चीजों को ही पढ़ना होता है, तो रेलवे के भी काफी छात्र इसमें है। देखिए, रेलवे सीबीओज सब लड़का को मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। आज जो केवल जीएस पढ़ा है उसको मैथ रीजनिंग होमवर्क के पढ़ना होगा। मैथ रीजनिंग देखिए बड़ा आसान तरीका, हम लोग भी परीक्षा इसका तो नहीं दिए लेकिन सचिवालय साहब को लग दिए थे। परीक्षा में आपको क्वेश्चन कितना है? 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। अब 2 घंटा 15 मिनट 150 क्वेश्चन है और 600 अंक है। तब हम सही बोल रहे थे, 150 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है, 600 अंक का है। बिल्कुल सर, है ना, इसमें निगेटिव भी है, 1 नंबर का, 1 नंबर निगेटिव भी है, इसमें कौन कौन मेथड लगा देता है अजीब टाइप का, निगेटिव भी है। तो परीक्षा टफ नहीं है, मैक्सिमम रेलवे वाला लड़का, सीजीएल वाला लड़का, सचिवालय की तैयारी करने वाला लड़का, तुमको मैथ और रीजनिंग बढ़िया से पढ़ा होता है। आर एस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग तो पढ़ा होता है। मैथ में अगर आर एस अग्रवाल का उसने गहनतम अध्ययन किया, आर एस अग्रवाल हमारे मौसा नहीं है, बिल्कुल लेकिन आर एस अग्रवाल का हम जो सोच बता रहे हैं, जैसे हम जरीन सिद्दीकी को भी जानते हैं, सगीर अहमद को भी जानते हैं, राज रेस को भी जानते हैं, सब महेश कुमार को जानते हैं, महेश मिश्रा को जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन ये आर एस अग्रवाल का मैथ, आर एस अग्रवाल का रीजनिंग 2 बार प्रैक्टिस कर ले, दो बार कम से कम। जीएस के लिए लुसेंट, केबीसी नैनो या क्राउन, मतलब क्राउन, एसपीडी और लुसेंट, इन सब चीजों को पढ़ लेना। क्राउन और लुसेंट दोनों नहीं, कोई एक, या तो लुसेंट या क्राउन, मिलता जुलता है, सब एक ही उतारा चीजें ना भाई। अच्छा। सब एक ही चीज उतारा हुआ है, मतलब पूरा मिलता, सब कुछ मिले, कोई दूसरा पेज में मिलेगा दूसरा पेज में मिलेगा, दूसरा ढंग से लिखा हुआ सब ये। अभी समय इनके पास है, तो अगस्त से प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन गहनतम से कर ले, अगस्त से कि जनवरी से सर? अगस्त से, मतलब 2023 के अगस्त, 2023 के अगस्त से, 2023 के अगस्त से जब तक इनका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक क्या करें, प्रिपेयर होना चाहिए। किसी अच्छे शिक्षक से मैथ पढ़ लें, किसी अच्छे शिक्षक से रीजनिंग पढ़ लें, अगर नहीं आता हो तब जीएस कहीं क्रेश कोर्स टाइप का पढ़ लें, टेस्ट दें,
ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अच्छा प्रैक्टिस बुक जो है उसका टेस्ट दें, संस्थान में टेस्ट दें, अपना आकलन करें। अगर प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ लेता है और 2 घंटा टेस्ट दे देता है तो मैं लिख दूंगा कि वह लड़का आपको सच द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में चयनित होगा। शर्त है कि जो किताब हम बताए, जैसे घटना चक्र, जैसे कपोलिटी बड़ी अच्छा है, उसको पढ़ कोई भी ट्रेडिशनल किताब पर नहीं जाए, मतलब ज्यादा ब्रांड के किताब में नहीं पढ़े, दे डोंट हैव टाइम, टाइम नहीं उनके पास। अभी बीपीएससी 17 दिसंबर को ले रहा है, सिपाही में गिंजन हो ही गया है, बीएसएससी का गिंजन जग जाहिर है, तो बीएसएससी का गिंजन जग जाहिर है तो बीएसएससी चाहेगा कि हम परीक्षा को इतना चलाकी से निकालें कि थू नहीं हो, मतलब इस बार पारदर्शिता रखा जाएगा, रखना ही पड़ेगा। अच्छा, रखना ही पड़ेगा। पत्रकार महोदय, आप भी चुप नहीं रहिएगा और मैं भी चुप नहीं रहूंगा, रखना चाहिए, नहीं रखना पड़ेगा। सर, अभी तो एक टेस्ट सीरीज लोग अप्लाई कर रहे होंगे, क्या उसी को अच्छे ढंग से अप्लाई करना है? अगर एक टेस्ट हम लगा रहे हैं तो उसका 100 क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हमको अच्छे ढंग से उसका प्रिपेयर कर देना है, इस टाइप से टेस्ट लगाना है? देखिए, कुछ नहीं, ऐसा टेस्ट लगाना उनको कि कम से कम 125+ स्कोर आ गए, 125 क्वेश्चन को सही करना है। अच्छा, निगेटिव कम करना है? निगेटिव तो करना ही नहीं है, कम निगेटिव तो हो ही जाएगा, लेकिन निगेटिव कर उड़ के 125 अगर आ जाता है तो जनरल ओबीसी वाला में मुख्य परीक्षा का पात्र होगा। अच्छा, मतलब अभी से कह रहे हैं कि 125 तैयार करना है, 125 तैयार करना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा रह सकता है सर बिहार एसएससी में? कुछ नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि लुसेंट या क्राउन या नैनो या स्पीडी या घटना चक्र को छोड़ के कुछ फालतू मत पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण को छोड़ के फालतू मत पढ़ो, आर एस अग्रवाल मैथ अजनी पढ़ लो, रेगुलर टेस्ट दो, कुछ अच्छे पब्लिकेशन की किताब से टेस्ट दो और केवल प्रैक्टिस में लगे रहो, 4 घंटा पढ़ो और 2 घंटा टेस्ट दो। 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा टेस्ट देना है, 6 घंटा दलालों से तो बच कर रहना है, क्योंकि सिपाही हो, ये हो, दरोगा हो, इसमें दलाल बहुत आते हैं, लड़का फंसी हो जाता है, उसे तो बच कर रहना है। इतना करके पढ़ लिया तो मैं निश्चित रूप से उसका कोनो ना कोनो विभाग में वो लटक जाए, अगर लटकेगा भी ना तो उद्योग विकास पदाधिकारी में। अच्छा, मतलब हो जाना है निश्चित। अच्छा सर, पिछला जो वैकेंसी था काफी लेट लगता है, बिहार एसएससी का जो भी वैकेंसी आता है कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है सर, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट को लेकर छात्र वेट कर रहे हैं, काफी दिन हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या बिहार एसएससी से उम्मीद कर सकते हैं कि टाइम से ले लिया जाएगा और टाइम से हर चीज हो जाएगा सर? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि माननीय अतुल प्रसाद जी आए, शून्य की अवस्था थी, आप लोगों ने चलाए थे, 150 क्वेश्चन आउट हुआ था तो मैं लेकर दौड़ा था, आप लोगों ने लिया था, सुन की अवस्था थी, 150 क्वेश्चन आउट 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 आउट, कम से कम अतुल प्रसाद सर ने परीक्षा लेने, परीक्षा को कंडक्ट करने, यार बीपीएससी के इतिहास में पहली बार कि 28 सितंबर को हर साल पीटी होगा और 3 से 7 जनवरी को मेंस होगा, रेडिकल चेंज, अतुल प्रसाद का ईमानदारी सामने आ गया है, सीएसईबी के अध्यक्ष महोदय की ईमानदारी दांव लग गया है, क्यों? क्योंकि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि बिहार पुलिस का कि ये सब वायरल नहीं हुआ, ये हुआ है, तो उन पर दाग लग गया है, बच गया बीपीएससी दरोगा वाला, तो दरोगा वाला पर गीत दृष्टि आप लोगों की भी रहती है, मेरी भी रहती है, सबकी रहती है, अच्छा से लेता है दरोगा परीक्षा, जितना भी एक्साइज कर लिया है बहुत बढ़िया से लिया है, अब दरोगा परीक्षा में अपना ये सब हर अध्यक्ष डरा हुआ थमा हुआ, कहा जाता है ना कि जब दूध से मुंह जल जाए तो मट्ठा फूक के पीना चाहिए, कि आधार पर चल रहा है, बीएसएससी लेट होगी लेकिन मार्च तक सारा ये प्रक्रिया आपको पूरा कर देगी, रिजल्ट वाला भी आई परीक्षा के भी। अच्छा, बिहार एसएससी मतलब सीजीएल का रिजल्ट, सीजीएल का रिजल्ट, रिजल्ट का भी, और ये मार्च से पहले नया वित्त सेशन शुरू होने से पहले इन लोग का रिजल्ट निकाल लेगी, लड़के बका जाते हैं सोचते हैं कि लेट हो रहा है, डकैती हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस है, वित्त विभाग है, कार्मिक विभाग है, सब जगह से क्या है, वित्त विभाग अब नया नियुक्त करेंगे तो इनको तो वेतन तो देगा ना भाई, तो वित्त विभाग इनको अलग से करेगा, मार्च से पहले क्लियर हो जाए। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि बीएसएससी के जो भी अध्यक्ष हो, अतुल प्रसाद से और बीपीएससी के अध्यक्ष द्विवेदी सर
और सिपाही के अध्यक्ष जो बोल दिए थे सिंघल सर, ये लोग अतुल प्रसाद से सीखे और ऐसा करें कि बीएसएससी का दाग बहुत काला है, बहुत गहरा है, किसी को विश्वास ही नहीं होता है। धोया जा सके, अगर आप धो देते हैं तो निश्चित रूप से एक अमर गाथा बिहार के इतिहास में छोड़ के जाएगा, जैसे कि अतुल सर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुनिए, तो जो भी लोग बिहार एसएससी सीजी इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं, सर का साफ कहना है कि लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, आर एस अग्रवाल, इन सब चीजों से बाहर नहीं पढ़ना है। अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो अगस्त 2023 से जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक का पढ़िएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। और सर का साफ कहना है कि इस बार हो सकता है बिहार एसएससी इंटर लेवल का टाइम से परीक्षा हो और साफ सुथरा परीक्षा हो सकता है। बाकी आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और सर का साफ कहना है कि ऐसा आपको तैयार करना है कि कम से कम 125 नंबर तक आप स्कोर कर सके, उसके अनुसार आपको पढ़ना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।